हेलो दोस्तों, मैं हूँ वंदना और आज लेकर आई हूँ आपके लिए सूजी के रसगुल्लों की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सूजी, जी हाँ रवा, और उसके बाद चीनी, ये आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा ली है मैंने, चीनी भी उतनी ही ली है, और ये है मिल्क पाउडर, और ये है मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर। इलायची को दरदरा पीस लिया है और ये दूध उबला हुआ है और रूम टेम्परेचर पर है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसको मैंने गरम कर लिया है और हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। और अगर आपके पास महीन वाली सूजी है तो आप उसको भी हल्का सा रोस्ट कीजिएगा। मैं इसको रोस्ट करने के बाद मिक्सी में हल्का सा पीस लूँगी। तो मैंने देखिए इसको रोस्ट किया है, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं होने देना है, इसका जो वाइट कलर है वैसा ही रहने देना है। हल्का सा रोस्ट करने के बाद देखिए ये कलर इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। अब इसको मैंने मिक्सर में डाल लिया है और थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा, इसको गरम गरम नहीं पीसते हैं, कोई भी चीज़ गरम नहीं पीसी जाती है, तो फिर इसको भी हम थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो इसको पीस के एक साइड में रख लेंगे। और अब चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने ये पैन ले लिया है, इसमें दो कटोरी पानी ऐड किया है, आप सेम कटोरी से ही मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं। तो इसमें मैंने दो कटोरी पानी ऐड करने के बाद एक कटोरी चीनी ले ली है, एक कटोरी से थोड़ी सी कम है। हमें चाशनी ना बहुत ज़्यादा पत्ती चाहिए, ना बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए, एक नॉर्मल जो एक तार या एक तार की होती है वो, उस तरह की चाशनी चाहिए, और हल्की सी तार बने जिसमें। इसमें मैंने इलायची भी ऐड कर दी है अब, और अब ये होता रहेगा तब तक हम एक और पैन ले लेते हैं। और इस पैन में मैंने देसी घी ऐड किया है, देखिए ये हल्की फ्लेम पे ही है, फ्लेम बहुत कम है अभी, और इसमें मैंने देसी घी ऐड कर लिया है एक चम्मच। और अब इस देसी घी में मैंने स्टफिंग बना रही हूँ, दूध लिया है, तीन बड़े चम्मच दूध ऐड करेंगे अब इसमें हम, देखिए एक दो और तीन। अब इसको घी के साथ दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब इसमें धीरे धीरे हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, ये हम स्टफिंग बना रहे हैं, एक तरह से आप इसको खोया जैसी बन जाता है ये, बिल्कुल खोए की तरह, और इससे आप और भी मिठाइयाँ बना सकते हैं। अब ये देखिए अभी तो ये मिक्स हुआ है, अब धीरे धीरे ये डार्क होना शुरू हो जाएगा, और इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है मैंने, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। इसको लगातार चलाते रहिए जिससे ये नीचे ना लगे, और साइड से धीरे धीरे ये मलाई सी आने लग जाएगी और ये चिपकने ना पाए, इस तरह से इसको हिलाते रहिए, और ये बहुत जल्दी थिक हो जाता है। देखिए धीरे धीरे ये डार्क होना शुरू हो जाएगा, मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम चलाते रहेंगे, और ये देखिए इसकी थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो गया है अब, और ये थोड़ी देर और चलाया मैंने इसको तो ये डार्क होना शुरू हो गया है। और देखिए जब ये इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए तो फ्लेम बंद कर दीजिए और साइडों से इसको निकालते हुए, ये देखिए रेडी हो गया, और तब भी चलाते रहिए जिससे कि ये चिपके नहीं बहुत ज़्यादा। और इसको मैंने अलग बर्तन में निकाल के फिर से उसी कढ़ाई में मैंने दो कटोरी दूध ले लिया है। अब हम सूजी वाला बैटर बनाएंगे, तो ये दो कप दूध ले लिया है मैंने, और इस दूध को, ये उबला हुआ दूध है, हल्का सा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे थोड़ी सी, डेढ़ चम्मच मैंने पाउडर्ड शुगर ली है, अगर आपके पास नॉर्मल शुगर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर पाउडर्ड शुगर है तो वो ऐड कर लीजिए। तो इसमें मैंने डेढ़ चम्मच देखिए शुगर ऐड कर दी है, और साथ ही इसमें एक चम्मच मिल्क पाउडर भी मैंने ऐड किया है। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध में, और देखिए दूध गर्म हो चुका है थोड़ा सा, तो अब धीरे धीरे हम इसमें सूजी या रवा भी ऐड कर लेंगे। और सूजी को शायद सूजी इसीलिए कहा जाता है कि उसको पानी में डालो, दूध में डालो या दही में डालो, किसी में भी आप डालते हैं तो वो सूजना शुरू हो जाती है, यानी फूलना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए धीरे धीरे करके दूध में ऐड करते जाएंगे, और दूध को लगातार चलाते भी रहिएगा। तो ये धीरे धीरे हम ऐड करते जा रहे हैं, और देखिए
ये जब धीरे धीरे थिक होना शुरू होगी तो बहुत अच्छा सा इसका एक टेक्सचर आ जाता है, बहुत सुंदर सी लगती है ये। जैसे आप उपमा वगैरह बनाते हैं तो सूजी ऐड करते हैं, लम्स ना पड़े, लम्स या गांठें ना पड़े इसमें, इसलिए इसको लगातार चलाते रहिए। उसी तरह से हमने इसमें सूजी ऐड करके दूध और दूध को सूजी में फुला लिया है, और देखिए जल्दी से ही, बहुत जल्दी ही ये थिक हो जाता है। तो ये भी रेडी हो गया है हमारा। और दोस्तों दिवाली आ रही है और वैसे भी आजकल लोग बाहर का खाना बहुत कम प्रेफर करते हैं, तो क्यों ना घर में कोई ना कोई मिठाई बनाई जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना सूजी के रसगुल्ले बनाए जाएं, क्योंकि रवा बाहर का, अगर खोया बाहर का लाते हैं और उससे बनाते हैं तो वो भी शुद्ध नहीं होता है। तो घर में शुद्ध बनाइए, शुद्ध खाइए। और ये देखिए मैंने इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है, अभी ये गर्म है, इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, फिर उसके बाद इसको हाथ से मसल के चिकना कर लेंगे। तो अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। देखिए अब ये थोड़ा ठीक हो गया है, थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो मैं इसको हाथों से मसल के अच्छे से और चिकना कर लूँगी। और अगर आपको लग रहा है कि ये चिपक रहा है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं, घी हाथों में लगा सकते हैं आप, और इसको अच्छे से मसल लीजिए। देखिए इस तरह से इसको अच्छे से मसलते चले जाएंगे। और ये देखिए जो खोया हमने रेडी किया था बीच में स्टफिंग के लिए मिल्क पाउडर से, वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी मैं। और स्टफिंग के लिए सारी बॉल्स को मैंने रेडी करना है, तो इस तरह से एक एक करके। इससे आप और भी मिठाइयाँ बना सकते हैं, और आगे हम और भी मिठाइयाँ बनाना सीख लेंगे इससे। तो ये देखिए इस तरह से सारी बॉल्स को मैंने रेडी कर लिया है, और अब हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं। तो बस अब हम ये सूजी वाला जो हमारा बैटर है उसको हाथ से फ्लैट कर लेंगे, थोड़ा सा फैलाएंगे। इसके बीच में ये मैंने हमारा जो खोया बनाया था हमने उसकी एक बॉल रख के अच्छे से सील कर दिया, और हाथों के बीच में इसको घुमाते हुए बहुत अच्छे से राउंड शेप दे दीजिए, और इसमें क्रैक्स ना आए इसकी ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि कोई भी क्रैक ना रहे, नहीं तो वो घी में डालेंगे आप ऑयल में जब फ्राई करने के लिए तो हो सकता है फट जाए या फिर खुल जाएगा। तो फिर इसलिए इसको इतने अच्छे से सील कीजिए कि इसके कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे क्रैक्स ना रहें। तो हथेलियों के बीच में अच्छे से घुमा लेंगे इसको, और आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे तो आप इसको बिना स्टफिंग के भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने सारी बॉल्स को रेडी कर लिया, और सिलेंड्रिकल भी बनाई हैं, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं इसको। और अब बस हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए देखने में ये कितनी अच्छी लग रही है, और ये चाशनी ठंडी भी हो चुकी है हमारी, ये भी रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो इसको दूसरी गैस पे मैं रख देती हूँ, और हम दूसरा पैन लेके इसमें ऑयल ले लेते हैं फ्राई करने के लिए, और ऑयल को गर्म होने देंगे। और जब ये गर्म हो जाएगा तो आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा, जिससे ये धीरे धीरे अच्छे से सब तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब इस ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सारे हमारे रसगुल्ले जो हैं, सूजी के रसगुल्ले जो हैं हमारे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरा क्राफ्ट वर्क पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपने कोई भी रेसिपी मेरी ट्राई की हो या कोई भी क्राफ्ट वर्क ट्राई किया हो अभी तक, तो आपको कैसा लगा बना के, कैसा फील हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हो सके तो फ़ोटो भी शेयर कीजिएगा मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से ये फ्राई कर लिए हैं, और फ्राई करके डायरेक्टली हम इन्हें अब चाशनी में ऐड करते चले जाएंगे। तो मैंने इसको चाशनी में रख दिया है, और इसको 2 घंटे के लिए चाशनी में ही छोड़ दीजिएगा। रसगुल्ले तो हम गरम भी खाते हैं और ठंडे भी खाते हैं, तो आप जैसा खाना चाहें, अगर आपको गरम खाने हैं तो वो इसको आप देखें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो ये और बड़े हो गए हैं, फूल गए हैं कितने हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे, और अगर आपको गरम खाने हैं तो आप माइक्रोवेव में भी गरम कर सकते हैं।
एक सिलेंड्रिकल भी मैंने रख दिया है। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है, कितना बिल्कुल जैसे मार्केट में होते हैं वैसे ही बने हैं। देखिए अब मैं इसमें स्पून लगा रही हूँ तो ये अपने ईजिली अंदर जा रहा है, मुझे बिल्कुल भी प्रेशर यूज़ नहीं करना पड़ा। ये देखिए बहुत आराम से ये अंदर चला गया, और देखिए अंदर से जो हमने स्टफिंग भरी थी वो कितनी अच्छी लग रही है। आपका खाने का मन कर रहा है ना, तो चलिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो इस बार दिवाली में क्यों ना अपने हाथ के रसगुल्ले बनाए जाएं। हैप्पी दिवाली, थैंक यू।